हेलो गाइस, मैं सूरज राज आज आपके नए वीडियो के साथ आए दोस्तों। देखिए, जिसका देखिए आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आपने जो देखा है कि एआरओ, ठीक है ना, एआरओ रोहतक। देखिए रोहतक में क्या है, जो रोहतक के जितने भी युवाएं हैं, यो रोहतक के जो जिसका एआरओ रोहतक पड़ता है, तो उनकी डेट आ गई है। फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन होंगे, ठीक है ना, उनको रजिस्ट्रेशन कब कराना है और फिर उसकी रेस कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी बात की जाएगी। और जेडी वालों की कितनी आपकी क्वालिफिकेशन हो चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, कितना हाइट होनी चाहिए, कितने मिनट में आपको दौड़ निकालनी, कितने पुश निकालने, कितने गोले फेंकने, क्या क्या करना है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपका भाई सूरज राज हर दिन एक नई वीडियो के साथ आता है। और देखिए, आर्मी से रिलेटेड कोई सी भी वीडियो सबसे पहले अपडेट मिलती है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर। तो यार, ऐसे यूट्यूब चैनल जो आपके लिए हर दिन एक नई योजना को लेके आता है, एक नई जानकारी को लेके आता है, तो यार उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ में घंटी के आइकन को दबा दो ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखिए, जितनी भी आर्मी में नौकरी निकलती है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारा जनरल पेपर हैकर देता है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। एक्स भाई कोई भी हो और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हमें ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आर्मी जो ऑफिस होता है, जिसे हम एआरओ कहा जाता है, रोहतक में है, ठीक है ना, जिसका एआरओ रोहतक में है, उनकी जो रेस लगेगी वो याद रखना, राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक, ठीक है ना, हरियाणा में उसकी रेस लगेगी। और जो बंदों की रेस लगेगी वो यहाँ लगेगी, ठीक है ना, सेंटर जो पड़ता है। अब देखो, जानकारी देता हूँ एक बहुत बेस्ट वाली, वो है, देखिए अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट की, रोहतक जो हमारा एआरओ है उसके कौन कौन से जिला वाले युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन कर सकता है, उसकी बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ बात करने वाले हैं मेल की, तो मेल कैंडिडेट ही ओनली कर सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। यहाँ मेल की बात की जा रही है, फीमेल की बात नहीं की जा रही है, ठीक है ना। तो मेल की बात की जा रही है, मतलब कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, देखें यहाँ बात करने वाले हैं रोहतक, तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जो भी जिला के जो भी युवाएं हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, जागर के और सोनीपत के और पानीपत के, ये चार जिला हैं, चार जिला के युवा हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कब से, देखिए 10 फरवरी से, देख कह रहा है फॉर्म 10 फरवरी 2020 टू 20 फरवरी 2000। देखिए 10 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में, ठीक है ना। तो 10 फरवरी से स्टार्टिंग हो जाएगा आपका और 20 फरवरी तक आपका क्या होगा, क्या होगा, ऑनलाइन होंगे, ठीक है ना, 10 दिन ऑनलाइन चलेंगे, याद रखना। उसके बाद में कह रहा है कि एट राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक हरिद्वार, यहाँ कह रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन इज वम वॉलेट इज विल बी, ठीक है, विल बी ओपन फ्रॉम, आप कह रहा है यहाँ देखो क्या कह रहा है कि यहाँ सोचने की है, जो ओपन है वो क्या है, जो आपका 12 दिसंबर और 25 जनवरी एडमिट कार्ड, ठीक है ना, कह रहा है आपके जो ओपन फॉर्म है, ठीक है ना, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बिल भी ओपन हो जाएंगे, वो 12 दिसंबर से ओपन होना स्टार्टिंग हो गए हैं, ठीक है ना। यहाँ बोला जा रहा है, और 12 जनवरी यहाँ कुछ और ही बोला जा रहा है यार, सोचने की बात है, 12 जनवरी टू 25, देखिए देखिए कह रहा है 12 दिसंबर टू 25 जनवरी 2020 एडमिट कार्ड फॉर्म भी, ठीक है, रेली विल बी सेंट, ठीक है, ये कह रहा है कि 12 दिसंबर से, ठीक है ना, ये बोला जा रहा है 12 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में 26 जनवरी से आपके एडमिट कार्ड स्टार्टिंग हो जाएंगे, ठीक है ना, ये बोला जा रहा है। और आप उसके बाद में बोल रहा है कि 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में आपकी रेस लगेगी, वो रेस, ठीक है, राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक के हरियाणा मैदान में लगेगी, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो सिंपली आप समझ चुके हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया इसके क्या क्या रीज़न है, तो एक एक कॉम्प्लेक्स पूरा बता दिया। तो आपको क्या है, देखिए 12 दिसंबर से आपके ऑनलाइन स्टार्टिंग हो गए हैं, 25 जनवरी तक आपके ऑनलाइन होंगे, ठीक है, 12 दिसंबर से 25 जनवरी तक आपके ऑनलाइन होंगे, याद रखना 12 जनवरी से 25 दिसंबर तक आपके ऑनलाइन होंगे। उसके बाद में एडमिट कार्ड 26 जनवरी से स्टार्टिंग होगा, हो जाएंगे मिलना, आपके ईमेल पर रजिस्ट्रेटेड हो जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, डाउनलोड कर लो। उसके बाद में आपको देखिए कह रहा है कि 26 जनवरी 2020 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, अनेबल हो जाएंगे। उसके बाद में जो है 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में आपकी रेस लग जाएगी, वो राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक में लगेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है आपको, तो 12 दिसंबर से 25 जनवरी तक आपके ऑनलाइन फॉर्म होंगे,
और 26 जनवरी से एडमिट कार्ड स्टार्टिंग हो जाएंगे और 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में आपकी रेस लग जाएगी, वो राजीव गांधी का जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके रोहतांग के हरियाणा में, वहाँ आपकी रेस लगेगी, याद रखना। उसके बाद में देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो हाई स्कूल होना चाहिए आपका और आप जीडी कर रहे हैं तो 11 और 17.5 से 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, मतलब कि 1 अक्टूबर 1998 से लेकर, ठीक है ना, 01 अप्रैल 2000, मतलब कि 2 तक के बीच में आपकी रेस होनी चाहिए, मतलब कि एज होनी चाहिए, 170 आपकी हाइट होनी चाहिए और 50 किलो वजन होना चाहिए, 77 से इतना आपका ये चीज़ सिस्टम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आप सारी की सारी यदि आपको ये नोटिस आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को जाइए, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पेपर हैकर को वहाँ जाइए, सर्च करिए और वहाँ आपको ये सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर हम आपकी PDF पूरी PDF को वहाँ दे देंगे, ठीक है ना। और आप तो जानते ही हैं आपको 10 पुश लगाना है तो 40 नंबर मिलते हैं, मतलब कि जो ऊपर डंडा होता है ना लगा हुआ हाथ से पकड़ के ऊपर ऊपर उठते हैं, तो ये क्या है, यदि आप 6 लगाते हैं, देखिए 6 लगाते हैं तभी यहाँ पास होते हैं और 5 रह जाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाता है, वहाँ से निकाल दिया जाता है, याद रखना इस बात को। 5, 6, 7, 8 पर जितने नंबर मिलते हैं वो दे रखे हैं और आप 5 मिनट 30 सेकंड में आप ब्रेस निकालते हैं तो 60 नंबर मिलते हैं और 5 सेकंड से 30 मिनट से, ठीक है, और 5 सेकंड 30 मिनट से नीचे निकालते हैं तो आपको मिलते हैं 48 नंबर, ठीक, ऊपर निकालते हैं 30 से तो 5.5 से ऊपर निकालते हैं, तो ये सारी का सारी नोटिस मिल जाता है। तो यार ये हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहे आपको, ठीक है ना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाना और घंटी के आइकन दबाने के बाद अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।